हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव बनने वाला है। बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, आप सबको बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। इवन इफ़ यू आर हैविंग ए पेट और नॉट, ये वीडियो बहुत इजी और सिंपल वे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ उसकी बहुत ज़रूरत है मुझे। एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं ऐसे आगे आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए विदाउट डूइंग एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टॉप योर डॉग फ्रॉम ईटिंग हिज ओन पूप, मतलब खुद के पूप, मतलब जब वो आपका जो डॉग है, पेट है, वो खुद के जब पोटी वो खा लेता है, तो उसको कैसे आप रोकें और उसके सॉल्यूशंस क्या है और वो क्यों खाते हैं। तो पहले ये जानते हैं वो लोग अपने पोटी खाना क्यों चाहते हैं। देखिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजंस तो जैसे आपको ये बता दूं मैं कि न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, मतलब उसके बॉडी पे जब न्यूट्रिएंट के डिफिशियंसी होते हैं उस टाइम पे वो उनको वो मतलब फीलिंग आता है कि पूप खाना है बोल के, पोटी खाना है बोल के। ये न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी क्यों आता है, जब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि पहले वाला वॉर्म्स, अगर उसके पेट में बहुत सारे कीड़े होंगे, वॉर्म्स होते हैं, तो वो वॉर्म्स क्या होता है, उसके बॉडी के जो आप वो जो भी खाता है ना उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली उसके न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि जब वॉर्म्स को आप डिवॉर्मिंग उसको रेगुलरली करेंगे, बहुत सारे डिवॉर्मिंग मेडिसिन मार्केट में आ रहे हैं, मैंने भी डिवॉर्मिंग के वीडियोस बनाए हैं इससे पहले, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि वॉर्म्स को कैसे मारा जा सकता है। फिर पैरासाइट, मतलब जो उसके बॉडी में बाहर से आके बस गए हैं छोटे मोटे पैरासाइट्स, वो भी उसके न्यूट्रिएंट्स खा लेते हैं। और मिनरल डिफिशियंसीज, तो ये सब रीजंस होता है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के, जिसके रिजल्ट वो पूप खाना चाहता है, या फिर उसके डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, उसके पूप में खाना एज इट इज़ सेमी डाइजेस्टेड ऐसे आ जाता है, तो वो भी अपीलिंग करता है कि वो जाके वो खा ले। तो उसको बंद करने के लिए आप उसका डाइजेशन ठीक कराना है, डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कीजिए कि उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, उसको कुछ मेडिसिन दीजिए कि सो दैट उसका डाइजेशन भी सही हो जाए। और उसके बाद वाला कंडीशन है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, मतलब मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुआ है डॉग ने न्यूली, तो उस टाइम पे उसके एनवायरमेंट में भी बहुत स्ट्रेसेस रहते हैं, वो एंग्जाइटी फील करता है, उस टाइम पे भी वो ऐसे पोटी खाने के लिए चले जाते हैं, या फिर वो बोर्डम में, मतलब बोर हो जा रहा है, अकेले है, बोर हो जा रहा है, आइसोलेटेड है, आप ऑफिस चले जा रहे हो, वो अकेले, वो कुछ बेचारा बैठ के कुछ नहीं कर पाएगा, तो सोचे पोटी ही खा लो ठीक है। और उसके बाद हेरिडिटरी फ्रॉम मदर, मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है जब एक माँ के पास जो पप्पीस रहते हैं ना, तो नए पप्पी के जब वो पोटी कर देता है तो माँ खुद उसको साफ़ कर देती है, तो उसके मुंह में जो स्मेल रहता है ना वो पोटी वाला, तो इन लोगों को लगता है कि दैट इज़ नॉर्मल, पप्पी एज ए पप्पी उनको लगता है ये सब नॉर्मल है, तो वो वाला जो हैबिट भी ये लोग कैरी कर देते हैं कभी कभी ठीक है। और दूसरा चीज़, एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है कोप्रोफाजिया। वो डिजीज़ में क्या होता है, उस डिजीज़ के अंदर जैसे कि पिका बोल के भी एक डिजीज़ है, उसमें क्या होता है ऐसे फीलिंग्स आता है डॉग को उसके ब्रेन में, या फिर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ऐसा होता है कि नॉन फूड आइटम जैसे कि बाल खा ले, डर्ट खा ले या पोटी खा ले, ऐसे अपीलिंग आता है। तो अगर वैसा कुछ है, वेट लॉस हो रहा है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा, तो वेट को इमीडिएटली दिखाइएगा। और ये तो हो गया क्यों खाते हैं, अब उसका सॉल्यूशंस मैं बताता हूँ। देखिए पहला तो अगर मैं बोलूँ अगर कैसे इमीडिएटली बंद कराना है, तो मार्केट में बहुत सारे, ऑनलाइन में भी बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं जिसको खा के कि इमीडिएटली उसका पोटी खाना बंद हो जाए। एक है फिकल डिटरेंट फ्रॉम वेटिना, वेटिना कंपनी का एक फिकल डिटरेंट आता है, तो वो खाने से भी उसका जो ये जो हैबिट है वो छूट सकता है। कैसे, क्योंकि वो जो टैबलेट जब उसको आप देते हैं ना, उसका जो पोटी इतना कड़वा हो जाता है, बिटर इन टेस्ट हो जाता है, तो वो फिर वो जो स्मेल और वो जो ये है ना, तो फिकल डिटरेंट से उसका पोटी का जो बिटर टेस्ट आ जाता है, तो उसके वजह से भी वो लोग पोटी खाना छोड़ देते हैं। उसके बाद आप उसके फूड में कुछ एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन इजी करने के लिए, जैसे कि जाइमोपेट हो गया, डाइजिटोन हो गया, ये सब डालने से भी उसका जो पोटी है लेस अपीलिंग फील करता है, तो वो खाना, पोटी खाना पसंद नहीं करता। वैसे भी और भी ब्रांड्स हैं, जैसे कोप्रोफाजिया बोल के एक ब्रांड भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, आप उसके फूड में अगर चीज़ दे रहे हैं, पपया दे रहे हैं, पाइनएप्पल क्रस्ट पाइनएप्पल दे रहे हैं, तो वो सब देना बंद कीजिए, सो दैट उसको वो जो
रोटी उसको लेस अपीलिंग लगे। और जब हम होम रेमिडीज के बात करते हैं, आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब वो पोटी करता है ना, इमीडिएटली उसके पोटी पे हॉट सॉसेज, मतलब सॉस, जैसे कि वो कुछ विनेगर हो गया या फिर सोया वगैरह हो गया, जो कि स्ट्रॉन्ग पंजन टाइप का स्मेल आता है, या फिर लेमन जूस थोड़ा डाल दीजिए उसके पोटी पे, तो वो पोटी खाने नहीं जाएगा। उसके बाद पम्पकिन, कैंड पम्पकिन भी आप उसको दे सकते हैं उसके फूड में। पम्पकिन क्या है, खाने के लिए टेस्ट रहता है, पर ना जब वो फिकल में पोटी में आता है बहुत ही बास मारता है। और दूसरा चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, इमीडिएटली जब भी वो पोटी करता है वो पोटी को उठा लीजिए, सो दैट वो खाने के लिए नहीं जाए। तो ये सब मिलजुल के आपको होम रेमेडीज मैंने बता दिए, मेडिसिंस क्या है वो बता दिए, क्यों पोटी खाते हैं वो भी बता दिए। तो आप बोलिएगा अब वीडियो कैसा था, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए अगर कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी है आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।